हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। दिस इज शशांक शेखर एंड वेलकम टू माई चैनल गणपति क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर एट द हाई स्कूल। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। एटर आम कि इम्पोर्टेंट बा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की क्वेश्चन को डिस्कस करवा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर रो प्रथम क्वेश्चन रहला, Why did Gandhiji say about his studies and conduct in the early days at school? तो गांधीजी तांकर स्टडी बाबदरे, स्टडी एवं कंडक्ट, कंडक्ट माने तांकर कैरेक्टर, व्यक्तित्व। तो से तांकर स्टडी, तांकर शिक्षा एवं तांकर कैरेक्टर बाबदरे, तांकर याली डेज, स्कूल रे याली डेज बाबदरे सेथिरे कौन होइतिला ता विषय गांधीजी कौन कहिथिले ना गांधीजी कहिथिले Gandhiji said that he was good both at studies and in conduct in the early days at school. से early days at school रे तंकर both studies रे एवं conduct रे दुही थिरे भलो थिली। He was confident of these qualities as certificate of his progress and character used to be sent to his parent every year। एवं प्रतिवर्ष तांको पेरेंट्स मन को कैरेक्टर एवं प्रोग्रेस रो कैरेक्टर ऑफ सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट तांको पेरेंट्स मन को पठा जाउतला। एवं ही हैड नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट एवं से केबे मध्य बैड सर्टिफिकेट पाइ नथिली। ही ऑप्टेड स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 4 एंड 10 इन 5th एंड 6th स्टैंडर्ड रेस्पेक्टिवली। से स्कॉलरशिप मध्य पाइथिले केते 4 आउ 10 रुपीज रो स्कॉलरशिप पाइथिले। 5th क्लास रे 4 रुपीज रो स्कॉलरशिप पाइथिले एवं 6th क्लास रे 10 रुपीज रो स्कॉलरशिप पाइथिले। ना प्रथम क्वेश्चन रो कोन थला जे गांधी को स्टडी एवं कंडक्ट बाबद रे गांधी कोन कहिथिले तांकर याली डे एजुकेशन समय। ना गांधी जी बहुत भलो थिले तांकर स्टडी एवं तांकर कंडक्ट रे याली डे एजुकेशन रे बा तांकर प्राथमिक शिक्षा समय रे से उभय शिक्षा रे मध्ये एवं तांकर व्यक्तित्व रे मध्ये से बहुत भलो थिले। कैरेक्टर ऑफ प्रोग्रेस सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष पेरेंट्स मन को पठाउतला एवं जेउथरे कि से केतेबेले भी बैड सर्टिफिकेट पाइ नथिली। एवं से मध्य स्कॉलरशिप मध्य पाइथिले मेधावृत्ति मध्य पाइथिले रुपीज 4 आउ 10 रुपीज रो 5th आउ 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड रे 4 रुपीज रो एवं 6th स्टैंडर्ड रे 10 रुपीज रो। बुझि पाला पिला माने। सेकंड क्वेश्चन को जीवा ना सेकंड क्वेश्चन अछि What were the amount of scholarship that Gandhiji obtained and how did he react when he got them? तो केते टंकार स्कॉलरशिप से पाइथिले गांधीजी केते टंकार स्कॉलरशिप ऑब्टेन करथिले एवं से दिबले स्कॉलरशिप पाइथिले तांकर प्रतिक्रिया की परथिला से किपरी रिएक्ट करूथिले। तो आमे जानिला 5th स्टैंडर्ड रे एवं 6th स्टैंडर्ड रे स्कॉलरशिप पाइथिले। 5th स्टैंडर्ड रे 4 रुपीज रे स्कॉलरशिप पाइथिले एवं 6th स्टैंडर्ड रे 10 रुपीज रे स्कॉलरशिप पाइथिले। तो सेटा सही जिनस रे एथिरे अछि जे गांधीजी ऑब्टेन स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 4 एंड 10 इन द 5th एंड 6th स्टैंडर्ड रेस्पेक्टिवली। बट ही वाज एस्ट्रोनाइज्ड मात्र से बहुत आश्चर्य होइथिले। कोन पई मु पूर्व क्लास रे भी बुझेली कौन पर से आश्चर्य होते ना कौन पर ना गांधीजी भावुन से गोटे स्टडी भल अच्छा बोल से निजक निजे स्किल प्रति से विश्वास ना से जो स्कॉलरशिप पाते से बहुत आश्चर्यजनित होते सब मेरिट अपेक्षा क्या धन्यवाद होते गुड लक वेरी गुड। बट ही वाज एस्ट्रोनाइज्ड when he owned them and he did not have any high regards for his ability na koile ebega tankar dakshata prati se setki biswas karu nathile setki garva se karu nathili। so he thanked his good luck more than his merit se tankar merit ko adhika merit apeksha tankar good luck ko adhika gurutva deutile ba dhanyabad gyapara kothre sethi pai। in his view though he was not a fool He was not so good at studies at school to obtain scholarship। से फुल नथिले मध्य गोटे बोका नथिले मध्य से निजुकु निजे
शिक्षार से भल बोली मानु से शिक्षार निजक भल बोली मानु नीते स्कॉलरशिप पाते आश्चर्य हो जाते से निजर मेरिट अपेक्षा निजर गुड लक को धन्यवाद देते बुझिपाल ना पिला माने तीन नंबर क्वेश्चन को जीवा ना तीन नंबर क्वेश्चन कहला द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज हु सेड दिस एंड व्हाट डिड ही वांट टू से बाय दिस लाइफ द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश छोटिया छोटिया ब्लेम मध्य ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज तांको आखिरु लुह झरे दी तो यह किए कही कहार उद्देश्य कौन थी तो गांधीजी यह कही द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज यार माने हला बाय दिस लाइन ही वांटेड टू से कहवापी चाहूँगी जे ही वाज भेरी केयरफुल अबाउट हिज कैरेक्टर निजर चरित्र प्रति से बहुत जत्नवान थी गांधीजी स्टडी रे से भल नथिले मध्य से निजर व्यक्तित्व को निजर चरित्र को बहुत जेलसली गार्ड करूथिले से बहुत जगी रहूथिले ही जेलसली गार्डेड हिज कंडक्ट से निजर कैरेक्टर को निजर कंडक्ट को जेलसली गार्ड करके रखुथिले बा सुरक्षित करके रखुथिले कौन पाए दैट ही वुड नेवर इम्प्रिंट ए बैड स्पॉट इन हिज कैरेक्टर से चाहू नथिले जे कोनोसी दाग मध्य तांको चरित्र उपरे पड़ू एंड कमिट ए मिस्टेक अगेन्स्ट इट एंड रिपेन्ट फर इट आउ से कौन से भूल कर बसतु एवं जो भूल द्वारा से जीवन सारा पस्ते हूँ पश्चाताप करूँ अनुताप करूँ ता से चाहू नथिले से गोटे छोटिया छोटिया ब्लेम मध्य आखिरु लुह झरे दूला बुझिपाल महात्मा गांधी यह कही कहार उद्देश्य यह जे निजर कैरेक्टर को निजर चरित्र को सी अत्यधिक जत्नवान सहित सुरक्षित करके रखुले कारण से चाहू ना चरित्र कौन सी दाग पड़ू अथवा से कौन सी भूल कर दिंतु जद्वारा से भविष्य में पश्चाताप करूँ बा अनुताप करूँ बुझिपाल तीन नंबर क्वेश्चन को चतुर्थ क्वेश्चन को जीवा व्हाट डिड गांधीजी रिमेम्बर हैविंग वंस रिसीव कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट व्हाट डिड गांधीजी रिमेम्बर गांधीजी क्यों जिनस को से रिमेम्बर कर मन पकाचंती जितेबले से कॉर्पोरल पनिशमेंट पाई कॉर्पोरल पनिशमेंट माने फिजिकल पनिशमेंट बा माड़ खाइबा बा जहा हो फिजिकल पनिशमेंट जितेबले पाई से कौन मन पकाचंती से किपर भाव में रिएक्ट प्रतिक्रिया कौन थी सो गांधीजी रिमेम्बर दैट वन्स ही हैड रिसीव कॉर्पोरल पनिशमेंट फर व्हिच ही वाज वेप्ट पिटियसली माने यार अर्थ है गांधीजी मन पकाचंती थे कॉर्पोरल पनिशमेंट पाई के नंबर स्टैंडर्ड रे वन और टू स्टैंडर्ड माने फर्स्ट किंबा सेकेंड क्लास से कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलता मन अच्छी जो से बहुत कांदी मध्य वेप्ट मीन्स कांदीबा वेप्ट माने कौन कांदीबा पिटियसली मीन्स मैंने बहुत जर्जरित भाव में कांदीबा बहुत दुखित होकर कांदीबा से बहुत कांदी थे इट हैपेंड व्हेन ही वाज आइदर इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड से एक किंबा दुई पढ़ुवा समय से कॉर्पोरल पनिशमेंट पाई ही डिड नॉट माइंड बिकॉज़ ही कंसीडर्ड एज डिजर्व्ड इट से माइंड करिन थिले कौन पाई तांकर भूल थिला से पनिशमेंट पाई से कांदी थिले मात्र से पश्चाताप करिन थिले कारण से भूल थिला से माइंड करिन थिले से भूल करथिले एवं भूल रो दंड मध्य पाई थिले बुझिपाल चार नंबर क्वेश्चन को ओके पाँच नंबर क्वेश्चन को जीवा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन रहा हु वाज द हेडमास्टर व्हेन गांधीजी वाज इन स्टैंडर्ड 7 एंड व्हाट वाज ही लाइक तो हेडमास्टर किए थे जिते गांधीजी 7 स्टैंडर्ड को जाते तो से ही स्कूल हेडमास्टर किए थे ना दोराबदी इदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर व्हेन गांधीजी वाज इन स्टैंडर्ड 7 एट स्कूल जो गांधीजी 7 स्टैंडर्ड थे से ही स्कूल हेडमास्टर किए थे दोराबजी इदुलजी जिमी इन हिज व्यू तांको व्यू अनुसार मिस्टर जिमी वाज ए डिसिप्लिनियर से बहुत डिसिप्लिनियर मान कौन कल कही डिसिप्लिनियर अर्थ है जी कि अर्डर देते जार अर्डर को अन्न मैंने पालन
करती ताकि डिसिप्लिनियन बोल कि कहते से गोटे डिसिप्लिनियन भी थे एंड वेरी पॉपुलर एमंग बॉयज बोथ एज ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर एवं पिला मानन को थारे बहुत से पॉपुलर थे कौन पाई से गोटे भल मनीष भी थे मेथड मैन ऑफ मेथड से गोटे माध्यम शिक्षक थे सब जिनस को ऑर्डरली से करते मैन ऑफ मेथड मैंने सब जिनस को से सुरखुरु एवं नियमर सहित से करते तो से पिला मानन को थारे बहुत पॉपुलर थी एंड ही वाज वेरी केयरिंग फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉयज से मेंटल ट्रेनिंग अपेक्षा से फिजिकल ट्रेनिंग को मते से बहुत गुरुत्व दउथिले से एवं सेथिपाई जिम्नास्टिक को आउ क्रिकेट को से कंपलसरी मध्य करथिले का को जिम्नास्टिक को आउ क्रिकेट को अपर स्टैंडर्ड बॉयज मानन को पाई कंपलसरी कर देई थिले ओके बुझि पालो देन सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन रहला व्हाट वेयर मेड कंपलसरी बाय मिस्टर जिमी एंड व्हाई डिड ही डिसलाइक देम मिस्टर जिमी माने दराबजी दुलजी जिमी अर्थात हेडमास्टर तो हेडमास्टर क्यों क्यों जिनस को कंपलसरी करते गांधी ताको कौन पाई पसंद करू नथिले काहाकू से जहाँ कंपल जो जो सब्जेक्ट को कंपलसरी करथिले सो मिस्टर जिमी गांधीजी हेडमास्टर गांधीजी हेडमास्टर थे मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी एंड गांधी डिसलाइक बोथ ऑफ देम जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट को कंपलसरी कर देते कहापाई अपर स्टैंडर्ड बॉयज एवं गांधीजी से ही दुईटा को जिम्नास्टिक को एवं क्रिकेट को उभय को से पसंद करू नथिले ना कौन पाई इट वाज बिकॉज ऑफ हिज साइनेस तांकर लाजकुलता पाई साइनेस माने लाजकुल तो गांधीजी छोटे बेले बहुत लाजकुला थिले तो से लाज पाई से क्रिकेट को आउ जिम्नास्टिक को सते पसंद करनु थिले दैट ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी से गुड़ी को कंपलसरी करवा पूर्व से कौन से भाग नहीं से माने गांधीजी गांधीजी कौन से भाग नहीं एवं सेकेंड जिनस जे ही हैड ए फॉल्स नोशन गोटे भूल धारणा था दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन शिक्षार जिम्नास्टिक कौन सी काम नहीं नेसेसरी नहीं किसी दरकार नहीं यह गोटे भूल धारणा था से जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट उभय को नापसंद करू थी बुझिपारल सेवेन नंबर क्वेश्चन को जीवा सेवेन नंबर क्वेश्चन रहा कौन रहा व्हाट डिड गांधीजी रिक्वेस्ट मिस्टर जिमी to exempt him from gymnastics and what was its result why did gandhiji request mr jimmy kon pai gandhiji jimmy ko request kale anurodh kale je to exempt him from gymnastics exempt mane bahar kar deba ba sethiru birati deba pai je gymnastic class kon pai na kariba pai gandhiji mr jimmy ko request karthile ebong tahar result ti kon hoithila एज मिस्टर जिमी मेड जिम्नास्टिक एनसर टाक देख एज मिस्टर जिमी मेड जिम्नास्टिक कंपलसरी गांधीजी रिक्वेस्ट हिम टू एक्सटेंड हिम फ्रॉम इट तो गांधीजी जेहेतु जिम्नास्टिक को कंपलसरी कर दी थे गांधीजी अनुरोध करते भाग नहीं पारे ना बोली किंतु ही क्लारीफाइड बिफोर हिज हेडमास्टर दैट हिज फादर वांटेड हिम एट होम आफ्टर स्कूल टू सर्व हिम एज नर्स एवं से तहार कारण मध्य कहते गांधीजी तंकर कारण मध्य कहते कौन तंको पिता तंको दरकार करछुंती स्कूल परे आफ्टर स्कूल स्कूल परे तंको पिता तंको दरकार करछुंती एज ए नर्स तंकर सेवा करिवा पाई सेथिपाई मु जिम्नास्टिक क्लास रे अंश ग्रहण करि पारिबि नाही बोली महात्मा गांधी रिक्वेस्ट करथिले ना काहाकू जिमी को रिक्वेस्ट करथिले किंतु यार रिजल्ट कोन हितला दिस कंपलसरी फिजिकल एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ हिज सर्विस सर्विस सेवे यह गोटे बाधा सृष्टि करता से जिम्नास्टिक क्लास टी बाधा सृष्टि करता गांधीजी पिता को सेवा करिवे किंतु बट मिस्टर जिमी डिड नॉट लिसन टू हिम किंतु मिस्टर जिमी गांधी कथा को शुणी नथिले एंड टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट टर्न डाउन मीन्स मना करदेवटा रिक्वेस्ट को से मना कर दे बुझिपारल भल भाव एट नंबर क्वेश्चन को जीवा
8 नंबर क्वेश्चन रहला व्हाट हैपेंड टू गांधीजी व्हेन ही वाज फाउंड एब्सेंट वन सैटरडे आफ्टरनून बाय मिस्टर जिम व्हाट हैपेंड टू गांधीजी कौन घटला ने व्हेन जेते बेले से पाइले जे एब्सेंट थिले केनो सैटरडे आफ्टरनून रे मिस्टर जिमी जेते बेले एब्सेंट देई थिले तो कौन हेइथिला से समय घटना को कह तो वन सैटरडे आफ्टरनून कौन होता तो ऑल द बॉयज केम टू स्कूल फॉर जिमनास्टिक क्लास जेहेतु सैटरडे कौन हुए दिन बेला पढ़ा हुए दिन भूल करे दिन बेला तो सब पढ़ा हुए दिन बेला सकाल समय पढ़ा हुए तो सकाल समय तो से जाते फेरी आसते घर को आफ्टरनून जिमनास्टिक क्लास थे सब पिला मैंने जिमनास्टिक क्लास को जाते एज इंस्ट्रक्टेड बाय द हेडमास्टर को सूचना अनुसार से मैंने आफ्टरनून रे जिमनास्टिक क्लास जाइली मिस्टर जिमी बट गांधीजी डिड नॉट रीच इन टाइम किंतु गांधीजी कहना ठीक समय से पहुंची पारे नथिली एज ही डिड नॉट हैव ए वॉच जेहेतु तांको पाखरे घंटा नथिला एवं द वेदर वाज क्लाउडी एवं मेघुआ पाग मध्य करथिला जद्वारा से क्लाउड तांको डिसाइड पर धोखा देथिला सूर्य को खापी जावा मेघुआ पग हवा द्वारा से समय जापारि नथिली बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस से महात्मा गांधी को एब्सेंस रीजन पचारि किए ना जिमी जेजन पचारि एवं ही टोल्ड मिस्टर जिमी व्हाट हैड हैपेंड एवं गांधीजी सठिक भाव से ही जिनस बट ही डिड नॉट बिलीव गांधीजी एंड फाइंड हिम किंतु मिस्टर जिमी गांधी को विश्वास करिन थिले एवं गांधी को उपरे फाइन मध्य पकाई देथिले ना कौन घटिला दिने सैटरडे आफ्टरनून रे कौन होइथिला एक्सरसाइज थिला आफ्टरनून रे सब पिला जिमी को निर्देश अनुसार सूचना अनुसार सेटा को जाइथिले मात्र गांधीजी ठीक टाइम रे पहुंची पा नथिले कौन पई ना तांको पाखरे घंटा थिला ना से आउ क्लाउडी पागडा भी क्लाउडी थिला जदरा से समय जानि पा नथिले तार रीजन भी देथिले प्रकृत कारण भी देथिले मात्र मिस्टर जिमी ताकु बिलीव करनथिले विश्वास करनथिले एवं गांधी को उपरे फाइन मध्य पकाइथिले केते टंकार फाइन पकाइथिले कमेंट सेक्शन रे लिखिबो केते टंकार फाइन पकाइथिले ओके बुझि पारल कमेंट सेक्शन रे निश्चित रूप लिखिबो केते टंकार फाइन पकाइथिले देन 9th नंबर क्वेश्चन को जीवा 9th नंबर क्वेश्चन रहला ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट अल्सो बी ए मैन ऑफ केयर यार माने कौन गांधीजी यहाँ कौन पाई कही थी व्हाट मेड गांधीजी से सो क्यों जिनस गांधीजी यहाँ कही गोटे मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट बी और अल्सो बी ए मैन ऑफ केयर तो वन्स गांधीजी वन कन्विक्टेड ऑफ लेइंग जो यार पूर्ववर्ती क्वेश्चन था तो गांधीजी को मिछुआ बोली कही किए मिस्टर जिमी तो से जिनस बहुत बाधि He was convicted of lying, even though he told his headmaster what had really happened. जदियो से प्रकृत कथा हेडमास्टर को कहिथिले फिर भी ता परे मध्य हेडमास्टर तांको मिछुआ बोली कहिथिले एंड बट इट वाज हिज बैड लक दैट हिज हेडमास्टर डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स एवं ताहा तांको दुर्भाग्य थिला जे तांकर हेडमास्टर गांधी को कथा को विश्वास करी नथिले एंड गांधीजी वाज अनेबल टू प्रूव द ट्रुथ एवं गांधीजी निजर सत्यता को निजर ऑनेस्टी को निजर सत्यता को से प्रूव करिनथिले बा प्रमाण करिपारी नथिले एंड ही रियलाइज एवं तापर से अनुभव करिपारथिले दैट इफ ही हैड बीन केयरफुल जदि से केयरफुल हेथांते जत्नवान हेथांते ही कुड हैव कम टू स्कूल से स्कूल को आसी पाई थांते इन टाइम सठिक समय से स्कूल को आसी थांते फॉर जिमनास्टिक क्लास से जिमनास्टिक क्लास को सठिक समय रे आसी पाई थांते जदि से केयरफुल होई थांते तो सेति पाई से कहिथिले ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट बी और शुड बी ए मैन ऑफ केयर गोटे मैन ऑफ ट्रुथ गोटे सत्यर मनुष्य से जत्नशील हवा निहाती दरकार जदि महात्मा गांधी जत्नशील होते से सठिक समय आसी पहुँची पारि था किंतु से जत्नशील हो नथिले एवं से ही दिन से यहाँ शिक्षा करी थी बुझिपार
ओके लास्ट क्वेश्चन रहा हु वाज गांधीजी ग्रेटफुल टू फॉर लर्निंग संस्कृत एट स्कूल एंड व्हाई हु वाज गांधीजी ग्रेटफुल टू फॉर लर्निंग संस्कृत संस्कृत जो पढ़ी क्या पाखे से बहुत ग्रेटफुल रही ना संस्कृत टीचर पाखे रही थे ग्रेटफुल जेहेतु संस्कृत रही संस्कृत टीचर पाखे रही कौन पर गांधीजी वाज ग्रेटफुल टू कृष्णशंकर पांड्या संस्कृत टीचर नाम कौन थी कृष्णशंकर पांड्या तो गांधीजी वाज ग्रेटफुल टू कृष्णशंकर पांड्या फॉर लर्निंग संस्कृत एट स्कूल से स्कूल संस्कृत पढ़ापी से कृष्णशंकर पांड्या ग्रेटफुल थी He not only persuaded Gandhiji, but also made Sanskrit easy for him. से गांधीजी को आकर्षित केवल आकर्षित कर नथिले संस्कृत प्रति से संस्कृत को इजी मध्य कर गांधी पाई सो दैट ही लर्न द लांगुएज इजिली एवं से जद्वारा कि गांधीजी से लांगुएज को इजिली पढ़ी पारि थिले एज ए रिजल्ट एवं जहार परिमाण स्वरूप सॉरी परिणाम स्वरूप He did not find it difficult to read various great books in his life. Great books माने धर्म ग्रंथ जमी है रामायण महाभारत भागवत गीता यह कौन यार मूल संस्कृत भाषा लिखा ही थे तो से परवर्त समय डिफिकल्ट हो ना से ही धर्म ग्रंथ गुड़ी पढ़ापाई से कृष्णशंकर पांड्या को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुंट बुझिपाल यहाँ कि सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर एट द हाई स्कूल चैप्टर रु आउ किछि मते सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर अछि आमे नेक्स्ट क्लास रे एही सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करबा से पर्यंत आम सहित जोड़ी रहंतु वीडियो टी पसंद लागि छै लाइक करबे शेयर करबे संग मान को सहित निश्चित रूप रे एथिरे बहुत जिनस इन्फॉर्मेटिव रहै छै तमार 10th क्लास पई एवं चैनल को प्रथम थर पई आस्थिले सब्सक्राइब करबा पई भूलबे नै सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग